पांच राज्यों में से ही चार राज्यों में कमल का फूल खिलने के बाद आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पूर्वांचल मोर्चा की बैठक हुई। मोर्चा का नेतृत्व अध्यक्ष कौशल मिश्रा ने करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं बल्कि विकास की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विश्व में भारत का मान बढ़ा है तो वहीं देश नीति नई ऊंचाइयों को छू रही है। आज की इस बैठक का भी उद्देश्य कार्यकर्ताओं को और ज्यादा जागरूक करना है। मिश्रा ने भास्कर की टीम से बात करते हुए कहा कि जल्द ही मोर्चा द्वारा एक बाइक रैली का भी आयोजन किया जाएगा। दिल्ली से संजीव झा की रिपोर्ट। आज दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय पर पूर्वांचल मोर्चा की बैठक हुई। आइए जानते हैं मोर्चा के अध्यक्ष श्री कौशल मिश्रा जी से आज की बैठक का उद्देश्य। आज की बैठक का उद्देश्य चारों राज्य में जो विजय पताका फहरा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको लेकर यह बैठक थी कि दिल्ली के अंदर विजय उत्सव होली मनाने जा रहे हैं, उसी के नियमित ये बैठक थी कि प्रत्येक जिले में सेवा बस्तियों में जाकर होली विजय उत्सव होली के रूप में मनाएंगे सभी कार्यकर्ता, और एक भव्य बड़ी बाइक रैली के माध्यम से पूरा रिंग रोड को जुलूस और विजय जुलूस के रूप में, उसको संपूर्ण रिंग रोड को परिक्रमा करते हुए इस उत्सव को मनाने के लिए पूर्वांचल मोर्चा ने तय। ये कब करने जा रहे हैं सर? इसके लिए अभी संगठन में बैठ के उसका समय और तय हो जाएगा और संख्या भी सब तय हो जाएगी। इसके लिए भी एक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बात करते हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तीनों ही कॉरपोरेशन में चुनाव हारती नजर आ रही है, इसलिए एक साजिश के तहत ये चुनाव टलवाने की प्रयास किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी, उनको झूठ बोलने के सिवा कोई काम नहीं करना, और उन्होंने लोभ और लालच को गुमराह करने के लिए कोई वक्तव्य नहीं देना, ये उनकी प्रवृत्ति है। उनने पूरी दिल्ली का क्या हाल किया है, एक एक वार्ड में तीन तीन ठेके खुलवा रहे हैं, पूरी दिल्ली को शराब में कर रहे हैं। जनता तो उनसे जवाब मांगने के लिए ऑन रोड तैयार खड़ी है, माता और बहनें खड़ी है। ये अगर ढूंढे भी कहीं खड़े भी मिल जाएं तो आप मुझे बताना, चुनाव लड़ना तो बड़ी दूर की बात है। जनता पहले तो इनसे जवाब मांगेगी कि शराब की नगरी क्यों बना रहा है, विनाश की नगरी क्यों बना रहा है, लोभी लालची धनानंद घमंडी धूर्त, इस बात का जवाब दे। और वो जवाब अगर दे देगा तो आप जो कहेंगे मैं वो मानूंगा। पांच राज्यों में से चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए शुभ संकेत है कि जनता जनार्दन जागृत है, उन्होंने मोदी जी की जन कल्याण वाली नीतियों का सम्मान किया है, और दिल्ली की जनता भी उस सम्मान को करने के लिए आतुर खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक भास्कर से संजीव झा, नई दिल्ली से।